ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो मन में एक उल्लास सा जगने लगता है कि महादेव की भक्ति का समय हो गया। बारिश का मौसम आरंभ होते ही ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं महादेव ही धरती पर आ गए हों, उनका आगमन हो गया हो। और सावन की इस पावन घड़ी में जो शिव भक्त की भावनाएं हैं वो जागने लग जाती हैं और सभी लोग सावन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पांचवा महीना माना जाने वाला सावन इस बार 14 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को इसका समापन होगा। इस बार कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा के दौरान भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध चढ़ाया जाता है, परंतु पूजा करते समय बेलपत्र यदि ना मिले या आपके आसपास उसका पेड़ ना हो तो आप उसकी जगह पर जो धतूरा होता है उसके फूल चढ़ा सकते हैं। इससे भी जो भगवान है वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सावन में भगवान की आराधना कैसे करें, कुछ ऐसी गुप्त विधियां जिनसे कि आप भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्दी शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। तो सावन सोमवार की पूजा कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। सावन के पहले सोमवार के दिन जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाएं। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे ही भगवान का ये सावन जो पर्व है ये जैसे ही शुरू हो बस आपको भोलेनाथ की आराधना में लग जाना है। सिर्फ एक बार, अब तक आपने इतनी ज़िंदगी बिता ली, अब तक आपने नहीं किया तो बस मेरे कहने से एक बार ये साधना करके देखें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी को न्योता दें। इसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी शुभता है उसको आप आकर्षित करेंगे, आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जहाँ काम बिगड़ रहे थे वहाँ बनने शुरू हो जाएंगे। बस एक छोटी सी साधना कीजिए सावन में और फिर देखिए किस तरह से आपके दिन बदलते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने यम नियम बदलने होंगे, जो आप आहार लेते हैं उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शराब, बीड़ी, गुटखा इन सब से परहेज करें। जब भी साधना काल में हो तो इनका कभी भी सेवन ना करें। उसके बाद आप सुबह जल्दी उठने का प्रयत्न करें। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो ये साधना आपके लिए नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए। घर के मंदिर में दीप जलाइए। कुछ भी करके माहौल को ऐसा बनाना है कि वो पॉजिटिव, आपको सुबह ही आपकी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी पूरा दिन जो है उसका एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकले। शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। ये आपकी मान्यता है, आप ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप दूध चढ़ाते हैं या कोई फल चढ़ाते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं होता। सबसे ज़रूरी है आप अपने मन को पवित्र करें और परमेश्वर को जब भी कुछ अर्पित करें तो वो भाव के साथ होना चाहिए। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं और आप सोना चढ़ा रहे हैं तो वो सोना किसी काम का नहीं है। अपने भाव को पहले पवित्र करें कि प्रभु जो कुछ है वो सब आपका है और मुझसे ये बन पाया है और मैं आपको ये अर्पित कर रहा हूँ। तो अपने भाव को पहले पवित्र कीजिए। उसके बाद आता है पुष्प। जो पुष्प है, पुष्प को आप सबसे बड़ा जो है पुष्प ही माना गया। आप बस जैसे ही शिव मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई पुष्प दिखा उसको ले लीजिए, रंग बिरंगे फूल ले लीजिए, कुछ भी ऐसा कुछ पत्ते ले लीजिए जो भी आपको अच्छे लगें और वो भगवान को अपने अच्छे भाव के साथ, अपने अच्छे भाव के साथ उनको अर्पित कीजिए। तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते, ना कि आपके सोने चांदी से। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है। सावन में अगर आप रोज़ इन सावन के सोमवारों में ये बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन से सारे दुख, सारे दुखड़े दूर कर देंगे। इसके बाद जब आप आराधना पूरी कर लें, इसके बाद थोड़ी देर बैठकर मंदिर में ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर एक घंटा दो घंटा बैठकर सिर्फ ध्यान करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। सावन में शिवलिंग का जो पूजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।
लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ शिवलिंग की पूजा करते हैं और पार्वती को भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, दोनों को एक साथ पूजिएगा तो आपकी जो ये साधना है ये सफल हो जाएगी। इस बार का सावन आप कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब जो क्रिया है ये एक तरफ है, उसके बाद एक क्षमा याचना होती है। उस मंत्र से हम भगवान से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु ना मुझे पूजा आती है ना कुछ विधि विधान से मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी कृपा से इस अनुष्ठान को, इस साधना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मुझे, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जान पाऊँ। तो उसका मंत्र है आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि शमश्वे परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात कि भगवान, मुझे ना पूजा आती है, ना विधि आती है, ना अर्चना आती है, ना मुझे जाप आते हैं, ना मंत्र आते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करें। तो आपको आखिर में इस क्षमा याचना मंत्र को बोल देना है। इससे होगा ये कि परमेश्वर आपसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। सिर्फ इस सावन ये छोटी सी साधना करके देखें और फिर आप जान पाएंगे कि प्रभु जो हैं वो कितने दयालु हैं। वो एक ही बार में आपकी जो विनती है वो सुन लेंगे। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी ऐसी मंशा हो जो आपके दिल में वर्षों से पड़ी हुई है, जो पूरी ना हो रही हो, वो इस सावन आप पूरी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़े से विश्वास की, थोड़ी सी साधना की और एक दृढ़ निश्चय कि आप रोज़ ये साधना करेंगे। इस सावन ये कीजिए और मुझे बताइएगा कि इसने आपके लिए कैसे कैसे कितने बड़े चमत्कार किए। धन्यवाद।